नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा और मिथिला का ऐतिहासिक दिन को आने में महज चंद घंटे बचे हैं और 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब यहां से पहली फ्लाइट स्पाइस जेट की शुरू होगी और वो दिन का इंतज़ार सबको है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि जंबो विमान जो उतर रहा है, जिसको हमने बताया था कि स्पाइस जेट का विमान है, हमारे दर्शकों ने इस पर आपत्ति जताई और हमारे दर्शकों ने कहा कि स्पाइस जेट का विमान नहीं है, ये है एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर। देखने में लग भी रहा है C-17 ग्लोब मास्टर ये होगा भी, लेकिन आज हम बात दूसरी करेंगे कि आखिर ये विमान उतर क्यों रहा है ठीक एन वक्त सिविल उड़ान से पहले। तो देखिए, ये कुछ सामान चढ़ाया जा रहा है या उतारा जा रहा है, यहाँ पर लोग खड़े हैं। पहले हम आपको तस्वीर ठीक से दिखा दें कि ये दूसरा पार्ट है और एक विमान पीछे भी खड़ा है यहाँ पर। अब ये विमान भी एयरफोर्स का है या स्पाइस जेट का है ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों की भीड़ थी जब ये कल आया गुरुवार को, तो लोग पेड़ पर चढ़ के देखने लगे क्योंकि हाईवे बिल्कुल किनारे है, जयनगर हाईवे, और वो हाईवे से, स्टेट हाईवे से लोग कौतूहलवश देखने लगे कि आखिर ये इतना बड़ा विमान जो उतरा है आखिर उसकी वजह क्या है। और इसके सिर्फ विमान ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं और इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रक्स जो है वो किस लिए, या तो सामग्री लाने के लिए है, और दूसरा सवाल कि ये एयरफोर्स का विमान इतनी गतिविधियां क्यों बढ़ गई हैं, क्या कुछ सामान को यहाँ लाया जा रहा है या यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, इन सामानों को लाया जा रहा है या ले जाया जा रहा है। तो दरभंगा एयरपोर्ट पर इस तरह की गतिविधि नज़र आ रही है कि जंबो विमान दिखाई दे रहा है, बीच बीच में एक दो फ्लाइट करके आता है जाता है, और इसको लेकर के ये समझ नहीं समझ से परे है कि यह विमान आखिर आ क्यों रहा है, सामान लाने के लिए आ रहा है या सामान लाया जा रहा है यहाँ या ले जाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच अभी तक जो उम्मीद की किरण यही है बनी हुई कि 8 नवंबर को तैयार रहिए, इतिहास लिखेगा दरभंगा और मिथिलांचल जब यहाँ से दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु की फ़्लाइट, ऑफिशियल फ़्लाइट शुरू हो जाएगी और उसके साक्षी बनेंगे दरभंगा के लोग या मिथिलांचल के लोग जो आएंगे, और उसकी तैयारियां पूरे अंतिम चरण में हैं। अब इसमें महज चंद एक काम बचा होगा जिसे वो आज या कल या कुछ घंटों में पूरा कर लिया जाएगा, बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब ये देखना होगा कि जो 8 नवंबर से फ़्लाइट शुरू होगी तो उसको लेकर के जब पहुँचेंगे लोग वहाँ या वहाँ से टेक ऑफ करेंगे तो उसको लेकर के कितना उत्साह नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो यही उम्मीद है कि लोगों को जो है वो लोग इसका हाथों हाथ जो है वो इसको लेंगे और आने वाले दिनों में दरभंगा जो है वो महानगरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, देखते हैं दरभंगा रॉक्स, हमारे सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।